सिर्फ कपड़े देखा ही करोगे? मुझे भी सिर्फ देख ही रहे। पता है, तुम्हारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तुम सिर्फ देखते हो, कभी कुछ करते ही नहीं। कर भी लिया करो, मतलब कभी मेरी जुल्फ को सवार लिया करो, कभी अपने हाथों से मेरे गालों को छू लिया करो, कभी होंठों को छू लिया करो, अपने हाथों को मेरे बदन की सैर दिया करो, अपने हाथों से मेरी कमर में चिमटी लिया करो। आउच! इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल करके बताता हूं ना। अरे यार, कब तक मैं ख्वाबों की दुनिया में रहूंगा? हाँ साला, सबकी जिंदगी चेंज हो चुकी है। मैं यहाँ पे बैठ के, और वो बालवीर मुझसे जूनियर है, कोई टैलेंट नहीं है उसके अंदर, फिर भी वो सीनियर की पोजीशन पे बैठा हुआ है और मुझसे ज्यादा सफल है। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ क्या भाई, आज भी सबसे पहले? और ये सब क्या है? कोई दुख है, तकलीफ है, प्रेशर है तो अपने पास रख, अपना गुस्सा इन कपड़ों पर मत निकाल, ठीक है? रुमिला मैडम का ना डिजाइनर का कपड़ा है, ठीक है? जानता है ना रुमिला मैडम को? कच्चा खा जाएंगे तुझे, डिजाइनर कपड़ा है उनका, ठीक है? अरे हाँ यार, समझता हूँ, आगे से भावनाओं में बहकर ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। डिजाइनर कपड़े हैं। अरे वही वही तुझसे नहीं होता है, पता है? तू टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग बंदा है, पर तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तू बहुत भोला है, और इसी भोलापन के कारण तू आगे नहीं बढ़ पाता है। यह सोचने वाली बात है, तू तो सीनियर है यहाँ पर, लेकिन तुझे प्रमोशन नहीं मिली अभी तक, इसी बात की वजह से। हाँ भाई ठीक है, लेकिन एक मसला और भी है।
गांव में ना मेरे बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं और दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। जितनी औरतों की छाती होती है ना उतनी मेरी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में मैं केवल इस शहर में एक पीजी रहने की हैसियत बना पाया हूँ। थू माँ इसकी लानत है ऐसी जिंदगी पर। देख मुझे तुझसे हमदर्दी है लेकिन इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि तेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। अबे 36 साल का हो चुका है तू, अभी भी तू वर्जिन है। जब तक अंदर घुसाएगा नहीं ये अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर कैसे आएगा? अरे यार घुसाने का मेरे को मत, घुसाने का मन तो बहुत है लेकिन आइए आइए आइए। मेरे ऊपर ताक झाक ना करके अगर अपने काम पे फोकस कर लेते ना डियर तो थोड़ा तरक्की कर लेते हैं। बाय द वे ये रोमिला मैम की है, इसको अच्छे से सिलवाना और उनके पास लेके चले जाना, नहीं तो रोमिला मैम तेरी मार लेगी और सिलवाएगी भी। ठीक है? अच्छा हाँ। आप रोमिला मैडम को छोड़िए, अपना बताइए कि कब मिलोगी अकेले में। यू नो आई एम टू एक्सपेंसिव, मैं तो तुझ जैसे लोअर क्लास से मुंह भी ना लगवाऊं, मिलना तो दूर की बात है। और बाय द वे मैं आई एम बिजी, आई वॉन्ट टू लीव बिकॉज मेरे साथ आहूजा सर की कुछ मीटिंग्स हैं। अच्छा 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 मीटिंग 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 कुछ नहीं है, साले ठुकवाने जाती है। रोमिला मैम के डिजाइनर कपड़े हैं, अगर ठीक से नहीं करे ना तो वो मार लेगी तुम्हारी भी और मेरी भी। बिल्कुल सही कह रहे हो माँ की, ये केवल अपर पोजीशन वालों को भाव देती है, हम जैसों को क्यों भाव देगी? डिजाइनर कपड़े हैं, काम पर ध्यान दे। सुना ना वो क्या बोली, मारेगी और सिलवाएगी भी, समझा? काम पे ध्यान दे, एक जॉब है हमारे पास वो भी चली जाएगी। पता है अगर नहीं करके दूंगा तो वो मरवाएगी भी, ठुकवाएगी भी और सिलवाएगी भी। रुक दो मिनट अभी करके देता हूँ। जल्दी कर मैं जाता हूँ। हाँ जा। साले अपनी तो वही हालत है, वो गाना है ना, मुसाफिर हूँ यारों न घर है ना ठिकाना, बस ठुकवाना ठुकवाना और बजवाना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मन तो नहीं कर रहा इस बुड्ढे के पास जाने का पर क्या कर सकते हैं, इसके पैसे के सामने तो बिस्तर सजाना ही पड़ेगा। चल जूही रेडी हो जाओ। मैं कम इन सर। यस कम इन। हेलो सर। Good morning. Hello. Good morning. Why are you so late? Actually, sir, आपसे मिलना था, उसका एक अलग टेंशन, ऊपर से थोड़ा सा सज धज के भी आना था, लेकिन देखिए ना, वक्त तो इसी में लग गया ना, इस ड्रेस पे दाग लग गया, तो उसको साफ करना इधर उधर तो लेट हो गया। Baby, ऐसी बात थी तो नए कपड़े खरीद लेती, ये दाग लगे हुए कपड़े क्यों पहन रही हो? एक्चुअली सर आपको तो पता है ना कि थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, सो इसलिए नया कपड़ा मींस नई ड्रेस खरीद नहीं पाई। मेरे होते हुए पैसे की तंगी है। वाइफ हियर व्हेन आई एम हियर। अभी तुम्हारे अकाउंट में 50K ट्रांसफर कर देता हूं लेकिन कपड़े तो निकालो, मुझे ये दाग अभी भी विजिबल है। सर ये दाग नहीं एक्चुअली आपका लव बाइट्स है और एक नहीं बहुत जगह पे है, दिखाऊं? यहाँ भी है एक, यहाँ पे भी है, यहाँ दिखाओ, लेट मी एक्सप्लोर की। देखिए ना यहाँ पे भी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पे।
तो मुझे देखना है कि ये दाग और कहां कहां है। दिखाऊं? दिखाऊं ना बीबी। Can I remove my dress? आहा, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं रिमूव करती हूँ। एक काम करो, अब तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। ओके? ठीक है। इन मैनोक्वींस की जो दुनिया होती है वो कितनी बढ़िया होती है ना। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मशक्कत के इतना सुंदर फिगर होता है। लेकिन कुछ भी बोलो, जिंदा शरीर की तो बात ही कुछ और होती है। काश अगर इस मैनोक्वीन में जान आ जाती तो इसे बहुत प्यार से था। लेकिन क्या करूं, साला नसीबी हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई तो कर ही रहे हैं। हाँ हाँ, कर ले प्रेयर्स, शायद इसी से अब तेरा काम बनेगा। एक्चुअली पता क्या है, जानता है तू, अगर इससे थोड़ा काम बना तो ओके, नहीं तो तेरे पास कोई सोने के लिए भी राजी ना हो। बट वन थिंग, मुझे तो इतना तक पता है सुशील कि 24 आवर्स के अंदर ना हमारा जो विश है उस लोक तक एक बार पहुंच जाता है। सच्ची? तो कोशिश कर ले। लेकिन क्या बात बोल, तो तेरी मैनीक्वीन जिंदा होती ना तब भी तो भाव नहीं देती तुझे, क्योंकि अ लूजर, डैम लूजर। बहन, क्या मैं इतना बुरा हूं? हट, इसकी माँ की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाइयों, ये किस चीज की तैयारी चल रही है? हाँ, अरे यार, दिवाली की छुट्टी चालू हो रही है, मैं चला अपना गांव। और तू तो जानता है मेरा तो कोई घर परिवार है नहीं, मैं तो इसके साथ ही रहता हूँ। तो विमल, तू भी फिर इन दोनों के साथ में निकल रहा होगा? नहीं भाई, मैंने तो अपने पीजी के ओनर से बात की है, मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। क्यों? देख भाई, मैंने ऑलरेडी इन लोगों को बता दिया है, मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, ये लोग तुझे बता देंगे। चल बाय, ख्याल रखियो। अरे मुझसे तो मिलता जा भाई। अरे बाय, ध्यान रखियो। ओके, ख्याल रखना। ये आखिर हो क्या रहा है, कुछ मुझे भी तो बताओ। अरे तुझे क्या बताऊं, उसका प्रमोशन हो गया है, पैसे हाँ, बढ़ गए हैं। हाँ, हाँ, तो अब छोकरी के साथ रह रहा है, तो अब उसने बोला है कि वो लिव इन में अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा। सच क्या है, किसी ने की किस्मत बदलते देर नहीं लगी, बंदा हमेशा प्रमोशन करता रहता है, भगवान ने उसकी सुन ली। चल मोहन, निकलते हैं, गाड़ी के लिए लेट हो रही है। हाँ, मेरी तैयारी हो गई है, मेरे कपड़े तेरे बैग में रखे हैं। ओके, और ध्यान रखना इस रूम का भी और अपना भी। हाँ, हाँ। एकदम से चल। अरे चलते हैं हम, ठीक है ना, ध्यान रखना अपना। हाँ, है ना। चल भाई, चल। अब ये घर तेरे हवाले है, किसी गर्लफ्रेंड को उठा के लेके आ, मस्त अपना ही घर समझ इसको, है ना। अरे क्यों इसके जले पे नमक छिड़क रहा है, सुशील भाई की कहाँ से गर्लफ्रेंड होगी। चल भाई चलते हैं, देर हो रही है। अरे चलो, तुम लोगों को लेट होगा। हाँ ठीक है, जाते हैं हम। ठीक है, आजा, अपना ही घर है, ध्यान रख। हाँ ठीक है, सुशील भाई की कोई भी गर्लफ्रेंड कहाँ बताते हैं। क्या किस्मत है मेरी, भगवान उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं लेकिन मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं भी एक बार ट्राई करूंगा। क्या ट्राई करूं तरक्की के लिए। हाँ, मैं ये प्रे करूंगा, मैं जिस मैनोक्वीन को जिस रूप में भी बदलना चाहूं, इमेजिन करूं, वो मैनोक्वीन उस रूप में बदल जाए। हाँ, मैं भी प्रे करूंगा और वो मैनोक्वीन मेरे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। हाँ,
मैं भी प्रे करूंगा, जब उसकी इच्छा पूरी हो सकती है ना तो मेरी भी इच्छा पूरी होगी। हे प्रभु, मेरी भी इच्छा पूरी कर दे। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी केवल एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं जिस रूप में भी जिस पुतले को इमेजिन करूं, जिस रूप में भी ढालना चाहूं, वो पुतला उसी रूप में प्रस्तुत हो जाए। हे प्रभु, केवल मेरी एक विनती मान लीजिए और मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। हे भगवान, मेरी केवल एक इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं जिस पुतले को जिस रूप में भी इमेजिन करूं, जिस रूप में भी ढालना चाहूं, वो पुतला केवल बस उसी रूप में ढल जाए। और मेरी इतनी विनती मान लीजिए भगवान, और मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ, हे भगवान, मेरी केवल इतनी सी इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं जिस मैनुक्वीन को जिस रूप में भी इमेजिन करूं, वो उसी रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए। केवल मेरी ये इच्छा मान लीजिए भगवान, मेरी आपसे विनती है। प्लीज भगवान, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं जिस पुतले को भी अपने सामने जिस रूप में भी ढालना चाहूं। क्या हुआ? अरे सुशील, मैं परीलोक से हूँ। तुम्हारी प्रार्थना हमारे लोक तक पहुंची, हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम जिस भी पुतले को जिस भी रूप में सोचोगे, तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होगा। एक मिनट, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये सच है या फिर? सच्ची है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हें वरदान की पूरी जानकारी देती हूँ। पुतले तुम्हारी इच्छा से जिंदा तो होंगे, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। अगर तुम उस दौरान किसी भी सजीव वस्तु को हाथ लगाया तो निर्जीव हो जाएंगे, और उन्हें पुनः जीवित करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का बलिदान करना होगा। लेकिन अगर ये गलती मुझसे हो जाती है तो इसको ठीक करने का कोई उपाय? मेरे जाने का वक्त हो गया है, परीलोक का वरदान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये सपना था या सच? सपना ही होगा।